अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल शकूर एंड यू आर वाचिंग अब्दुल शकूर ऑफिशियल। दोस्तों, आपको ये एक परिंदा मेरे हाथों में नज़र आ रहा है। मैंने इसे कोई शिकार करके नहीं पकड़ा और ना ही कभी मैंने परिंदों को कैद किया है और ना ही मैं इसके हाथ में हूँ। आप लोग जानते हैं कि अक्सर लोग जो ना घरों में पिंजरों के अंदर परिंदे रखते हैं, उनको कैद करते हैं। हालांकि जो परिंदों की जगह है ना, वो ऐसे बागात होने चाहिए बजाय इसके कि आप उनको कैद करके अपने घरों में रखें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो परिंदा है मुझे कहाँ से मिला है। मैं जब कल घर आ रहा था तो गली में ना ये गिरा हुआ था और इससे ना उड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि ये अभी बच्चा है तो इससे अभी उड़ा नहीं जाता। तो मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने इसको उड़ाने की कोशिश की है लेकिन ये उड़ नहीं पा रहा था। तो मैंने इसको पकड़ के ना अपने घर ले आया हूँ। तो मैंने कहा कि यार इसकी ना देखभाल करता हूँ, दो तीन दिन जितने दिन भी ये उड़ नहीं सकता प्रॉपर, तो उतने दिन इसको मैं अपने पास रखूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने ना इसको थोड़ा सा बांध के भी रखा हुआ है, क्योंकि बांध के इसलिए रखा हुआ है कि इसको मैंने अपने कमरे में रखा है तो जो पंखा है वो चलता रहता है छत का, तो इस वजह से मैंने इसको छोटी सी रस्सी से ना बांध दिया है। तो इसकी मैं केयर कर रहा हूँ और इसको मैंने ना इंशाल्लाह आज़ाद करना है। सिर्फ जो मैंने इसको पकड़ा हुआ है ना, सिर्फ इसलिए पकड़ा हुआ है कि ये अभी बच्चा है, ये उड़ नहीं पा रहा। और जैसे ही ये एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में, जैसे ही मुझे पता चल जाता है ना कि ये उड़ सकता है, तो मैं इसको उड़ा दूंगा। हालांकि इसके जो पर हैं ना वो तकरीबन पूरे हैं, लेकिन अभी ये बच्चा है इसे उड़ा नहीं जाता। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको ना इसलिए पकड़ा हुआ है, और जैसे ही ये उड़ेगा इंशाल्लाह मैं वो उस पर भी वीडियो बनाऊँगा और इसको आज़ाद कर दूँगा इंशाल्लाह। तो जो लोग अपने घरों में परिंदों को कैद करते हैं, तो उनसे भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि यार देखें, जो परिंदे हैं ना उनको कैद ना किया करें अपने शौक़ की खातर। और जो परिंदों की जगह है वो खुली फ़ज़ाएँ हैं, आसमान है, बागात हैं, उनकी जगह यही है। तो आपके घर में अगर आप परिंदे रखते हैं, तो अगर रखना ही चाहते हैं तो उनको इस तरह अपने साथ मानूस करें तो कि वो ना पिंजरों के बगैर आपके साथ रहना सीख जाएं। तो ये परिंदा देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, ये देखें ये उड़ना चाह रहा है, लेकिन अगर इसको मैं उड़ाऊँगा ना तो ये उड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे इसको जो है अपना कुत्ते बिल्ली बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो खा जाएंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी एक परिंदा बच्चों ने गली में पकड़ा हुआ है, वो बेचारा मर गया था क्योंकि बिल्ली उसके पीछे पड़ी हुई थी, तो वो भी इसी तरह गई था। और हो सकता है शायद इसी का ही कोई बहन भाई हो, तो उसे उड़ा नहीं जा रहा था तो वो मरा पड़ा था। तो मैंने ये देखा तो मैंने इसको पकड़ लिया, लेकिन वो जो मरा हुआ परिंदा था वो मैंने बाद में देखा। तो अब मैंने यही डिसाइड किया कि इसको जितने दिन भी रखूँगा, अपने पास रखूँगा, जब ये उड़ने के काबिल हो जाएगा तो उसके बाद इसको मैं आज़ाद कर दूँगा इंशाल्लाह। ये बेचारा ना परेशान बहुत है, ये कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, तो मैं इसे ज़बरदस्ती खिलाता हूँ और ज़बरदस्ती पानी पिलाता हूँ, ठीक है। ये परेशान है कि पता नहीं, ये सोचता होगा कि यार पता नहीं इस बंदे ने मुझे पकड़ लिया है तो अब मेरे साथ ये पता नहीं क्या करने वाला है। हालांकि मैं यकीन करें बड़े प्यार से इसको रखा हुआ है, और मेरी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द ये अपनी उड़ान भरे और मैं इसको ना आज़ाद कर दूँ। जो माशाल्लाह ये देखें, ये चूँचे भी मारता है मुझे ये देखें, इसे करीब से दिखाए जरा, ये देखें, ये बेचारा उड़ना चाह रहा है लेकिन इससे ना उड़ा नहीं जाता अभी, ठीक है। ये मैं इसको ना घर में भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं इसको ना घुमाने आया हूँ बाहर। मैंने कहा इसको इसकी फ़िज़ा में लेके जाता हूँ, थोड़ी देर ये रहेगा, इसका मूड भी अच्छा हो जाएगा, ये सैरो तफरी भी कर लेगा, ताज़ा हवा भी खा लेगा, तो इसी बहाने मैं भी ताज़ा हवा खा लूँगा, थोड़ी सी सैरो तफरी कर लूँगा, और साथ में मैंने सोचा वीडियो भी बना लूँगा। अब ये उड़ना चाहता है, इंशाल्लाह भाई आपको उड़ाऊँगा मैं, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। तो आपने बताना कि ये परिंदा आपको कैसा लगा है। छोटा सा बच्चा है माशाल्लाह, खूबसूरत है, ये मुझे चूँचे भी मारता है, लेकिन मैं कहता हूँ बेचारा उड़ना चाहता है, वो कहता है कि पता नहीं इसने मुझे उड़ाना है या नहीं उड़ाना। तो ये देखिए अभी माशाल्लाह इसके जो पर हैं, ये मैंने बांधा सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज़ से, जो मैंने बताया ना ये उड़ जाता है ना तो पंखे के साथ ना टकरा जाए, थोड़ा सा उड़ता है और उसके बाद फिर गिर जाता है। इसके माशाल्लाह ये पर देखें, पर भी इसके ना तकरीबन मुकम्मल हैं, लेकिन पता नहीं ये उड़ क्यों नहीं रहा, इसको उड़ाएंगे इंशाल्लाह। आगे से रिएक्ट भी करता है भाई, उड़ाऊंगा आपको, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।